ये जो शॉट है ना, ये तो मेरा कंपलसरी, जब भी मैं घर पे शूट करता हूँ तो ये शॉट तो मैं जरूर लेता ही लेता हूँ। ओके, तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज रमज़ान का 9वां रोज़ा है, 9th, और अभी बज रहे हैं रात के 3:17। ये टॉपिक ये कि मैं आज रमज़ान में, एक तो रमज़ान चल रहा है, पहले तो सबको रमज़ान मुबारक और खुशियाँ, रमज़ान की खुशियाँ आप सबको नसीब हो, आमीन। मुझे भी नसीब हो, आमीन। तो अभी तक फ़िलहाल मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और नेट बहुत स्लो चल रहा है, 70% हो गई है और अभी भी 50 मिनट मांग रहा है, तो नेट इतना स्लो चल रहा है, अंदाजा लगाओ कितना नेट स्लो चल रहा होगा। तो पहले सैरी करते हैं, फिर सारी बातें करेंगे, देखते हैं कि सैरी में आज मिलता क्या है। तो चलो, सहरी का ये सीन है कि सहरी तो मैं हमेशा से लाइट करता हूँ, और मैं भी हल्की आवाज़ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रात का टाइम है तो आधे से ज़्यादा सन्नाटा होता है, तो फिर अगर मैं ज़ोर से बोलूँगा तो आवाज़ गूंजेगी। तो सहरी का ये सीन है, सहरी में लाइट करता हूँ। लाइट का रीज़न ये है कि भाई इफ्तारी से लेकर सहरी तक ना मैं इतना खा लेता हूँ कि मैं इतना पतला हूँ, फिर भी अपना जो सीन है ना हैवी हो जाता है, तो फिर सहरी की नहीं जाती। तो सहरी में हमेशा लाइट करता हूँ, पर अभी मुझे चाय की खुशबू तो आ रही है, चाय मस्त है, वरना तो मेरा सर में दर्द हुआ था। तो चाय तो आ रही है, फिर तो देखते हैं उसके बाद क्या आता है। तो भाई आज हमारे पास सहरी में है चाय और पराठा, मतलब आज लाइट सहरी है, और वैसे तो लाइट ही करता हूँ, पर आज तो बहुत ज़्यादा ही कुछ लाइट सहरी करती है। और अच्छा है यार, बस जूस वूस पियेंगे उसके बाद, और फिर अपनी सहरी डन, खजूर खा के अपन शुरू हो जाएंगे काम पे। सहरी करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो ये जो शॉट है ना, ये तो मेरा कंपलसरी, जब भी मैं घर पे शूट करता हूँ तो ये शॉट तो मैं ज़रूर लेता ही लेता हूँ। तो चले टॉपिक पाते हैं। तो अभी बज रहे हैं 4:20 और इफ्तारी में तकरीबन कुछ 3 घंटे के आसपास बाकी है, और इफ्तारी हमारी हो गई है ख़त्म। मतलब इफ्तारी में आज मैंने बनाया है कीमा पराठा, मैंने भी बनाया है, अम्मी ने बनाया है कीमा, ठीक है। तो अब मैंने बनाया यार, जो बाहर के जो डॉन के जो पराठे थे रेडी कुक होते हैं, मैंने यार वो ज़्यादा अच्छा लगता है उनके साथ, मैंने वो लेकर आता हूँ। अब लॉकडाउन है और अभी बज रहे हैं 4:20 और 5 बजे से बंद हो जाता है, पहले मैं जाता हूँ वो लेकर आता हूँ, फिर हम बात करते हैं कि क्या सीन है अभी इफ्तार के और अभी तक क्या किया मैंने। यार गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा ही कुछ गर्मी हुई है थोड़ा, और अब ये हो रहा है कि अब बज रहे हैं 4:45 और सहरी सॉरी इफ्तारी में कुछ समझ लें 2.5 घंटा कुछ बाकी है, तो कुछ करने को नहीं है। तो 10 का खाना हम बिछाएंगे 6:30 के आसपास, और 2 मिशन दिए थे हमें, एक तो लाना था पराठा और एक लाना था कोयला। कोयला कहीं भी मिला नहीं लॉकडाउन की वजह से, और कोई भी ऐसी कोई जगह खुली नहीं जहाँ से मुझे कोयला मिल सके, तो पराठा मैं लेकर आया हूँ। तो अब हमने कीमा बनाया, और कीमे में दम करना था, कोयले का हम नहीं करेंगे, हम उस पर मसाले वगैरह से काम चलाएंगे, कोई बात नहीं। और तब तक के लिए मतलब 6:30 तक के लिए, अभी 6 बजने में 1 घंटा बाकी, तो तब तक के लिए हम क्या करेंगे, तो हम गेमिंग करेंगे, क्योंकि रमज़ान और गेमिंग का जो बोलते हैं ना, दोनों का क्या बोलते हैं, दोनों का साथ ना वो जन्मों से, मतलब कराची में तो भाई बहुत टाइम से, मतलब जब रमज़ान होता था हम सहरी से लेकर ताई तक गेमिंग ही करते रहते थे पहले, तो अब यही सीन होगा, अभी हम गेमिंग शेमिंग करेंगे, CS खेलेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगे कि CS पे वीडियो बनानी चाहिए तो मुझे बताएंगे, मैं CS पे भी वीडियो बनाऊँगा। हाँ, फिलहाल गेमिंग करते हैं और उसके बाद देखते हैं इस तारीख में हम क्या बनाते हैं, ठीक है। तो भाई ये हमारा दस्तरखान लगा हुआ है, कुछ ज़्यादा हम बड़ा रखते नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कबाब है और चटनी, रायता है, चटनी है, और क्या क्या है, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह आएगी, और उसके बाद ज़्यादा खा लो तो हाजमोला भी है। ये हाल किया है।
अरे वो जो साबुत है ना, नहीं ये दिखाइए, नंग करो। तो ये हाल किया है मैंने पराठे का। इफ्तारी हो चुकी है और इफ्तारी के बाद आपको पता है ऐसा पूरा ना फुल हो जाता है, मतलब यहाँ तक आ चुका था खाना। तो इफ्तारी भी हो चुकी है और अब इफ्तारी से लेकर नेक्स्ट सहरी तक ना खाना चलता रहेगा। तो फिर सहरी कुछ कुछ खास होगी तो यही होता है हमारा। और ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की। अच्छा लगे तो आप कीजिए और नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिए और नेक्स्ट व्लॉग के लिए बेल आइकन ज़रूर बजाइए। और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।